We are starting with enumeration, inducement, enumeration, and isolation of polyphage. So, what is polyphage? First of all, yes, polyphage. What is polyphage? Students, what is polyphage? Polyphage is nothing but a virus or group of viruses that are infecting. Coliforms. So, okay, yeah, coliforms. Coliform bowls. And, yeah, no idea, okay. Okay, good one. So, FY se padhte aa rahe hum log coliphage ke baare mein, theek hai? And coliphage are these phages or viruses bol sakte hum log, jo bacteria, jisne coliform bacteria ko attack kar. Okay, so coliform bacteria matlab jo colon mein rehte. कोलोन में जो प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है डेट इज इशिरिशिया कोली. ठीक है, इट कैन बी टेकन ओवर बाय अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो, लाइक जैसे फूड पॉइजनिंग की वजह से साल्मोनेला कैन टेक ओवर दैट इंटेस्टाइन. ठीक है, और डोमिनेंट प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, डोमिनेंट स्पीशीज बन जाता है. ठीक है, ओके. सो दीज आर कोलीफाजेस. तो जो ये फाजेस रहते हैं डेट आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड दे टारगेट ऑर्गेनिज्म. इधर जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर हम लोग ई कोलाई ले रहे हैं, बस सबसे ज्यादा वही एक्सप्लॉइटेड ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट, इन्यूमरेशन एंड आइसोलेशन. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट? यस, एनरिचमेंट. एनरिचमेंट मतलब क्या? अच्छा, एनरिचमेंट का कोई मीडियम बता दो फॉर एक एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जैसे सुडोमोनास हो गया, तो एनरिचमेंट मीडियम क्या होगा? हाँ, यस, निशिगंधा. निशिगंधा, ओके, यस, प्लीज बोलिए. यस, निशिगंधा, यू हैव रेज्ड योर हैंड. अगर आपको कुछ बोलना है तो यू कैन कंट्रीब्यूट. You can turn on your mic. Next thing is enrichment. What is enrichment? Enrichment is nothing but growing a certain, enrichment is growing only certain, enriching only certain or limited number of organisms and eliminating other kinds of organisms. Just for example, now blood agar is not enriched medium hai, not enrichment medium hai. There is a difference. ठीक है, enriched medium मतलब आप उसमें बहुत ज्यादा nutrient provide कर, that is enriched medium. Okay, enrichment medium मतलब क्या हो गया? आप उसमें सेलेक्टिव एजेंट डाल रहे हो, तो खाली आपका एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करेगा, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट मीडियम. ठीक है, एनरिचमेंट. ठीक है, तो एनरिचमेंट ये बोला जाता है मुझे खाली स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही लग्जरियसली ग्रो करना है एंड बाकी ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करना. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? समझाइए. एनरिच्ड मतलब खाली आप उसको लग्जरियस ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो. एनरिचमेंट मतलब आप सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म को ही लग्जरियस ग्रोथ प्रोवाइड करो, बाकी ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करो. ठीक है, ठीक है. सो एनरिचमेंट में अभी हम लोग आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुडोमोनास के लिए सेट्रीमाइड अगर आता है, सुना सेट्रीमाइड? ओके, फिर आपका क्या बोलते हैं, आपको अगर एल्गी, सॉरी एल्गी ग्रो करना है, साइनोबैक्टीरिया ग्रो करना है एंड बहुत सारी चीजें, राइजोबैक्टीरिया, तो इसके लिए क्राइमा मीडियम रहता है, तो वो सेलेक्टिव मीडियम हो जाता है. उसमें कुछ डाइज भी होते हैं जो सेलेक्टिव एजेंट्स का. ठीक है, आगे चलते हैं. सो एनरिचमेंट समझ में आया. इन्यूमरेशन मतलब क्या? काउंटिंग. क्या हो गया? इन्यूमरेशन मतलब बेसिकली काउंटिंग. जैसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सी एफ यू.
कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, राइट। एक काम कर, हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को काउंट करना है तो हम लोग भी स्प्रेड प्लेट करते हैं, राइट, एंड उसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को काउंट करते हैं ऑफ डिफरेंट डाइल्यूशन, ठीक है, एंड उससे हम लोग कैलकुलेट, बैक कैलकुलेट करके निकालते हैं कि ओरिजिनल सैंपल में कितने कितने बैक्टीरियास हो सकते हैं, ठीक है। दैट वॉज इन्यूमरेशन मेथड, बट देर इज अ डिफरेंस। इधर है फाज, एंड फाज को क्या चाहिए, होस्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो इसमें जो जो कॉलोनीज, एज इन कॉलोनीज नहीं बोलूंगा मैं, इधर मैं बोलूंगा प्लाक, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाक। सो आपको सबको पता है प्लाक क्या होता है, व्हाट इज प्लाक? यस, व्हाट इज प्लाक फॉर्मेशन? यस, व्हाट इज प्लाक? प्लाक क्या होता है? ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं ये इधर आ जाता हूँ, एंड दिस इज अ साइंस डायरेक्ट पेज, एंड इसमें आप अगर आप देख पाओगे तो इधर क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, ब्लू कलर स्टेन आर ऑर्गेनिज्म, एंड जो आपको इधर गैप्स दिख रहे, एज इन डॉट्स दिख रहे, विच इज व्हाइटिश इन कलर, इट इज नथिंग बट वायरसेस आर ग्रोइंग देयर एंड वायरसेस आर किलिंग दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये ईच एंड एवरी, जैसे कॉलोनीज रहते हैं, इनको ईच एंड एवरी जो क्लियर्ड एरिया बोला जाता है, इनको प्लक्स बोला जाता है, ठीक है। प्लक्स इज वेयर वायरसेस हैव किल्ड ऑल द बैक्टीरिया। अभी एक इधर भी आ सकते हैं, इधर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इधर बहुत अच्छा प्लक दिख रहा है, देखो एक ये इधर दिख रहा है, ये प्लक है, दिस इज अ सिंपल गूगल सर्च, आप प्लक देखोगे तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, ये देखो, ये बहुत, ये एक्चुअली हम लोग को जो इफ वी आर एबल टू रन, वी विल बी रनिंग दिस काइंड ऑफ एसेस, ठीक है, इधर ऐसा मिल जाएगा, ओके। बैक टू द टॉपिक, एक काम करते हैं हम लोग, व्हाट इज प्लाक और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबको होपफुली प्लाक के बारे में पता है। सो प्लाक क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, मैट क्रो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं, जैसे होस्ट हो गया तो एक हो गया वायरस, ठीक है, और दूसरा हो गया उसका होस्ट, स्पेसिफिक होस्ट, यस, वायरस हो गया और उसका स्पेसिफिक होस्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, होस्ट को हायर कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, अभी तुमको पता है, अगर तुमको वेल आइसोलेटेड कॉलोनी चाहिए तो आपको उतना डाइल्यूट करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ होस्ट को हायर कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा मैट ग्रोथ मिलेगा। नाउ व्हाट इज मैट ग्रोथ? मैट ग्रोथ क्या होता है, इसमें आपको पूरा जो ऑर्गेनिज्म है ये पूरा उसको कवर कर ले, ठीक है, पूरा का पूरा कवर कर, तो ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, इसको मैं तो पूरा का पूरा कवर कर लिया। अभी आप बोलोगे कि पूरा का पूरा तो कवर कर लिया, अभी वायरसेस के लिए जगह किधर? तो बेसिकली जब वायरस, हम लोग क्या करते हैं, होस्ट एंड वायरसेस को खाली 5 डिपेंड करता है, 1 मिनट के लिए रखते हैं, और कोई 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 उसमें वी गो फॉर 5 मिनट्स इंक्यूबेशन और 15 मिनट्स इंक्यूबेशन, डिपेंड करता है कितने स्पीड में, उसका लेटेंसी टाइम क्या है, वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं वायरस एंड होस्ट को इंक्यूबेट करता हूँ फॉर 5 मिनट्स। अब होता क्या है इसमें कि जो वायरस है, उसने इन विद इन 5 मिनट्स क्या हुआ, या विद इन 1 मिनट क्या होता है, तो इधर इधर जो इकोलाई है उसमें क्या होता है, फाज अटैच करता है। नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ फाज, इधर फाज अटैच कर रहा है। ना कभी भी ध्यान दो कि जो भी डिजीज होता है, बेसिकली वायरल डिजीज,
उसको कॉज होने के लिए या मतलब उसको स्टार्ट होने के लिए, डिजीज स्टार्ट होने के लिए, डिस इज स्टार्ट होने के लिए फर्स्ट एंड फर्स्ट जो चीज होती है वो होती है अटैचमेंट, अटैचमेंट। कोई भी वायरस है अगर वो इन्फेक्ट करना चाहेगा, हाँ जोन ऑफ क्लियरेंस मटेरियल, सो जो भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया या इधर बैक्टीरिया, तो इधर जो फाज है अगर उसको वो अटैच कर पाए, अगर वो उसको अटैच कर पाए तो बैक्टीरिया जो फाज है वो इट विल सर्टेनली इन्फेक्ट दिस बैक्टीरिया, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल फाज अटैच ही नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अटैक, ये क्या होगा, ये इसको अटैक नहीं कर पाए बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस ने एक बार अटैच किया तब जाके वो इन्फेक्ट करेगा, बट अगर अटैचमेंट ही नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली सेल विल रिमेन, पूरा सेल विल रिमेन अलाइव। सो जो मेन जो चीज है वो है अटैचमेंट, एंड हम लोग जो इंक्यूबेशन टाइम देते हैं इधर 1 मिनट्स 5 मिनट्स का, उसमें जो वायरस है वो अटैच कर लेता है विद इन सेकेंड्स के अंदर अटैच कर लेता है, ठीक है, एंड इट गेट्स इनसाइड द। तो ये जो एक पूरा लाइफ साइकिल होता है वायरस का वो डिपेंड करता है वायरस के ऊपर, तो इट टेक्स अराउंड इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स टू 15 to 20 मिनट्स, मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मिनट्स टाइम लेता है फॉर फास्ट टू अटैच, ठीक है, उसके प्रोजेनी से वीरियंस जनरेट करना, एंड आफ्टर दैट सेल को सेल बर्स्ट हो सकता है, जो बर्स्ट ओपन होके बाकी वीरियंस उसके प्रोजेनी वीरियंस रहेंगे, प्रोजेनीज रहेंगे वो पूरा, जो जैसे फॉर एग्जांपल 200 to 1000 प्रोजेनीज रहेंगे जो भी रहेंगे, इट विल बी रिलीज्ड, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके बाजू में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने बहुत कम सेल्स बनाए, देयर माइट बी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ऐसे इधर वायरस ने, एक वायरस ने अटैक किया, इट विल प्रोड्यूस 200 वायरियंस 10 मिनट्स के अंदर, फिर ये आजू बाजू के सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, नाउ दीज 200 सेल्स विल प्रोड्यूस मोर 200 सेल्स वीरियंस, तो जैसे कितने हो गए फिर, यस 40,000 वीरियंस, एंड नाउ दीज 40,000 वीरियंस विल अटैक 40,000 नॉर्मल सेल्स, ठीक है, तो ये 40,000 इंटू फिर 200 और वीरियंस बनेंगे, ठीक, तो करीबन करीबन कितना हो जाएगा, 44 लाख 40 लाख 80 लाख, तो 80 लाख्स वीरियन बन जाएंगे विद इन कितने जनरेशन, एक जनरेशन, फर्स्ट सेकंड सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड जनरेशन तक आपको 80 लाख वीरियन या प्रोजेनी वायरसेस मिल जाएंगे, 80 लाख खाली 3 जनरेशन में, और 3 जनरेशन कितना टाइम में हो रहा है, कितना टाइम में हो रहा है ये 3 जनरेशन, इट इज हैपनिंग इन, अगर मैं 10 मिनट्स लेता हूँ तो विद इन 30 मिनट्स आपको 80 लाख वेरियंस मिल जाएगा, 30 मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर, ओके। सो इतना पावरफुल चीज है कि इतने स्पीड में काम कर रहा है, इतना स्पीड, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग दिस, अगर नहीं आ रहा तो बता दो मुझे, किसी को बाउंसर गया तो बता दो, प्लीज टाइप रिपीट इफ यू वांट, दिस कंटेंट टू बी रिपीटेड, और होपफुली यू आर गेटिंग दिस, सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्लाक फॉर्मेशन, तो आप बोलोगे प्लाक कैसे फॉर्म हो रहा है, तो बेसिकली जो ये सेल्स जो इन्फेक्ट हो रहा है, ये जो सेल्स इन्फेक्ट हो रहे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बस्ट ओपन हो रहा है, ऑब्वियसली बस्ट ओपन हो रहा है तो उधर ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ये आपके जो सेल्स है अभी रहेंगे नहीं, तो क्या होगा दिस, ये पूरा का पूरा जो जिधर जिधर वायरस ने इन्फेक्ट किया और बस्ट ओपन हुआ
उससे वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, देर विल बी नो बैक्टीरिया इन दिस एरिया, ठीक है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज क्लियरेंस जोन। क्या बोलेंगे? क्लियरेंस जोन, ठीक है। समझे? क्लियरेंस क्यों बोला? क्योंकि जो वायरस ने सारे बैक्टीरिया को मार के निकल गया। ओके, नाउ ये क्लियरेंस जोन हम लोग को क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा मेन ये था कि इन्यूमरेशन कैसे करते हैं, तो इन्यूमरेशन में क्या होता है, वन फाज विल गिव राइज टू वन क्लॉक, वन फाज विल राइज गिव राइज टू वन क्लॉक, तो एक फाज पार्टिकल वन ओनली वन एंड वन फाज पार्टिकल विल गिव राइज टू वन क्लॉक। तो वैसे आप उसको फाज को डाइल्यूट कर सकते हो एंड इन विद इन काउंटेबल रेंज आप लेके आ सकते हो उसको एंड इट कैन बी काउंटेड। ओके, नाउ आइसोलेशन, आइसोलेशन भी कैरी आउट किया जा सकता है। आप फाज को निकाल के उसको प्यूरिफाई करके आइसोलेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, जैसे हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं एंड देन फिर उसको जो प्लाक जो फाजेस है इट कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर। सो होपफुली दिस इज क्लियर। आपको ये प्लाक्स कैसे फॉर्म होता है, इन्यूमिनेशन क्या होता है, इनरिचमेंट क्या होता है, आपको सबको होपफुली सबको समझ गया रहेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये जो हम लोग जो निकाल रहे हैं कोलीफाज, ये हम लोग बेसिकली आइसोलेट कर सकते हैं टी वाई लेवल, ठीक है। दिस सेम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो रिपीटेड इन मेसी पार्ट वन, क्योंकि उनका भी एकदम डिटेल में फाजेस के बारे में। ओके, नाउ इधर तो ज्यादातर डेमो देते हैं एंड इन एमएससी यू हैव टू कैरी आउट। ओके, सो इन आवर प्रीवियस एकेडमिक ईयर वी हैव आइसोलेटेड वन फाज फ्रॉम सीवेज सैंपल, ठीक है, एंड उसको अच्छे से आइसोलेट किया। यू कैन होपफुली व्हेन कॉलेज रीओपन्स एंड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन रन दिस, वी कैन रन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ अभी जो सीवेज सैंपल है उसमें ऑब्वियसली क्यों हम लोग सीवेज सैंपल से क्यों ले रहे, क्लियर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर से क्यों नहीं ले रहे? यस, एनीबडी? यस, सीवेज सैंपल क्यों यूटिलाइज कर रहे इधर? व्हाई आर वी नॉट यूटिलाइजिंग क्लियर वाटर? कोई बता सकता है? एनीबडी? बाकी लोग सारे यस, कोलीफॉर्म काउंटर्स आए करेक्ट, एकदम करेक्ट। ओके, सो बेसिकली जो कोलीफॉर्म जो काउंट है, बेसिकली कोलीफॉर्म क्यों काउंट क्यों ज्यादा है सीवेज में, ऑब्वियसली इंडिया, एक्चुअली इंडिया को ऐसे समझा जाता है कि जो क्या बोलते हैं फीकल डिस्चार्ज है, डेट इज जो है वो डायरेक्टली आपका रिवर में जाता है। नाउ दिस इज दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टॉयलेट्स, प्रॉपर टॉयलेट्स एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर्स। ये इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है कि आप जब ओपन डेफिकेशन करते हैं तो ऑब्वियसली जो कंटेंट्स है इट गोस इट गोज टूवर्ड्स जो एडजॉइनिंग रिवर है, ये तो ऑब्वियसली वो आपका रिवर गंदा हो रहा है। ओके, एंड यह आपका सीवेज सैंपल है तो सीवेज में आपको मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ अभी तो जो है सीवेज, सीवेज आल्सो डजंट कंटेन कोलिफॉर्म्स, बिकॉज अगर आप सिटीज में देखोगे तो देर इज अ प्रॉपर डिस्पोजेबल मैकेनिज्म, ठीक है, एंड वो जो आप फीकल मैटर है डैट इज बीइंग प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ एंड उसको एज अ नाइट सॉइल यूज यूटिलाइज किया जा सकता है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। नाइट सॉइल सबको पता है ना? यस यस, सो नाइट नाइट सॉइल इज नथिंग बट कंपोस्टिंग। ओके, कंपोस्टिंग ऑफ ह्यूमन फीकल मैटर्स,
सो इसमें क्या क्या बोले गए, जो सीवेज सैंपल है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ वायरस। ठीक है, नाउ यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ ईकोलाई। ठीक है, तो ईकोलाई यूज कर सकते हो या सलमोनेला यूज कर सकते हो। तो सीवेज माइट कंटेन मल्टीपल फॉर्म ऑफ डिफरेंट या मल्टीपल वायरसेस ऑफ डिफरेंट विच मे बी हैविंग होस्ट फॉर डिफरेंट विच मे बी हैविंग अ डिफरेंट होस्ट। तो उसमें सालमोनेला हो सकता है, शिगेला हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके, ज्यादातर ईकोलाई बोला गया क्योंकि जो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया, जो कोलोन है डेट इज उसमें डोमिनेंट जो ऑर्गेनिज्म है डेट इज नथिंग बट ईकोलाई। सो ईकोलाई के जो फाजेस मिलने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर एनाफोलिजम्स। ओके, सो होपफुली दिस इज क्लियर। नाउ इधर दिया हुआ, वी आर आल्सो यूजिंग वी आर सब्जेक्टिंग सी वेस्ट टू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर असेंबली। सो हम लोग ये असेंबली क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो सीवेज सैंपल है इट माइट कंटेन एन नंबर ऑफ कंटामिनेंट्स, तो उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, एक तो आप कोर्स फिल्टर कर सकते हो ताकि आप जो सेडिमेंट्स है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, और दूसरा आप ये एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर ले रहे हो। क्यों बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्यों ले रहे हो, यस कोई बता सकता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्यों ले रहे हैं? यस, कोलिफॉर्म कॉन्टेज। सो बेसिकली बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्यों ले रहे, कोई बता सकता है? एनीवन? नूर? यस, कोमल, ये क्या लोग 23 स्टूडेंट्स बता दो है कोई? सो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर ले रहे हैं हम लोग क्योंकि वायरसेस आर फिल्टरेबल एजेंट, याद आ रहेगा तो यूट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो वायरसेस आर नथिंग बट फिल्टरेबल एजेंट, तो ये वायरसेस कोई भी फिल्टर हो, आज तक ऐसा कोई फिल्टर ने बना नहीं है जिससे वायरस पास होना। ठीक है, N95 हो ये हो, जो फ्री फ्लोटिंग वायरस है डेट कैन बी पास हो। ठीक है, कोविड का क्या है कि इट इज प्रेजेंट इन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ओके, सो N95 ड्रॉपलेट्स को फारक देते हैं, दैट इज ना दी। सो हम लोग इधर वापस आ जाते हैं, बैक टू टॉपिक। सो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर ले रहे हैं ताकि हम लोग बाकी जितने भी बैक्टीरिया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बैक्टीरिया, वी आर इंटरेस्टेड इन वायरस। एंड वायरसेस क्या है, दीज आर फिल्टरेबल एजेंट, मतलब ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पास ऑन कर दे। सो जो एंड रिजल्ट है जो हम लोग को सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट नहीं बोल सकते, सैंपल जो मिलेगा डैट विल कंप्राइज डैट विल डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ पास। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों को वी आर इंटरेस्टेड इन इकोले, सो वी विल यूज यूटिलाइज 4 आवर ओल्ड इकोले सैंपल। वाई वी आर यूजिंग 4 आवर ओल्ड इकोले सैंपल, इम्पॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 आवर ओल्ड क्यों ले रहे हैं हम लोग, 18 आवर्स ओल्ड क्यों नहीं ले रहे? यस एनीबडी, कोई बता सकते हैं? एकदम सिंपल लॉजिक है। यस ओके, सो इधर आ जाते हैं। सो 4 आवर ओल्ड, इफ यू नो अबाउट ग्रोथ कर्व, राइट, सबको ग्रोथ कर्व के बारे में पता रहेगा। तो कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं, लैग होता है, लॉग होता है, स्टेशनरी होता है, देन फिफ्थ फेज होता है, राइट। ना जब हम लोग इकोले को ग्रो करते हैं, सो लैग कंप्राइजेज ऑफ 2 1 आवर 2 आवर हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनोकुलम। ठीक है, मतलब इनोकुलम का डेंसिटी कितना है, देन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी एजेंट है कि नहीं, बहुत सारी चीजें रहती है। ओके ओके, तो इधर मेन मेन थिंग क्या है कि आपका 4 आवर्स इट इज अंडर दिस थिंग। आप 4 आवर्स जब ले रहे हो
यू आर थिंकिंग की यू आर डेड श्योर की जो ऑर्गेनिज्म है इट इज इन लॉग फेज, ठीक है, लॉग फेज। तो लॉग फेज वाले ऑर्गेनिज्म क्यों चाहिए हम लोगों को, जब हम लोग 18 आवर्स लेते हैं या 24 आवर्स लेते हैं, द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी रीच्ड स्टेशनरी लेवल, 24 आवर्स ना। ये 4 आवर्स ले वाला जो हम लोग लॉग कल्चर ले रहे, ये इसमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो क्या रहेंगे, सारे के सारे क्या रहेंगे, दे विल बी वेरी वेरी यंग, ठीक है। दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ठीक है। और अगर मैं 24 आवर्स ओल्ड कल्चर ले रहा हूँ, ऑब्वियसली इट इज ओल्ड, 24 आवर्स ओल्ड, मतलब क्या है, इधर दीज आर नॉट यंग कल्चर, दीज आर ओल्ड कल्चर। फर्क क्या होगा, जो यंग कल्चर है इट इज एक्टिवली डिवाइडिंग, एंड दीज ऑर्गेनिज्म जो 24 ओल्ड आवर ओल्ड है दीज आर नॉट एक्टिवली डिवाइडिंग। तो जब ऑर्गेनिज्म एक्टिवली डिवाइड करता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करता है तो क्या होता है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन रहता है वो डिलेड रहता है, क्या रहता है, इज डिलेड। ऑर्गेनिज्म इज क्या, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है कि इट इज ओनली फोकसिंग ऑन डिविजन, फास्टर डिविजन, जितना फास्ट वो डिवाइड करेगा उतना ज्यादा उसका पॉपुलेशन हो जाएगा एंड इट विल बिकम डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये केस में क्या होता है कि यंग सेल्स जो बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करते हैं तो उनका जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो डिलेड ही रहता है, तो इतने स्पीड में डिवाइड कर रहे कि वो सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं दे पाए, एंड दीज ऑर्गेनिज्म विदाउट करंट सेल वॉल ये इजी टारगेट होते हैं फॉर वॉच, ठीक है। अगर इन कंपैरिजन टू मैं अगर 24 आवर ओल्ड कल्चर हूँ तो इनका जो क्या हो जाता है, ये मेच्योर सेल हो जाते हैं, ठीक है, थीके? इनके पास कैपेबिलिटी हो जाती है कि फाज को रिपेल कर सके, मतलब रिपेल एज इन जब फाज अपना डीएनए अंदर डालेगा तो ऑब्वियसली उनके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रहता है, एंड क्या होगा आपका तो पहला है ये सेल वॉल थिक रहेगा इसकी वजह से फाज अटैच नहीं कर पाएंगे, एंड दूसरा क्या रहेगा, जो फाजेस रहेंगे उन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काफी इफिशियंट यूज कर सकते ना। सो ये दोनों का कंपैरिजन किया नहीं जा सकता, मतलब एज एन मतलब दोनों भी फाजेस सेम तरीके से अटैक नहीं कर पाएंगे, ओके। तो फाजेस कैन इजिली अटैक यंग, ठीक है, यंग सेल्स इजिली अटैक। तो अगर आपने नेचर या ज्योग्राफिक चैनल्स देखे रहेंगे तो जो क्या बोलते हैं लायंस या टाइगर्स, अगर आपने हंटिंग करते वक्त देखा रहेगा तो ऑलवेज दे विल ऑलवेज अटैक वीकर सेल्स, तो ये एक टाइप की वीक सेल्स हो गए, इट इज विदाउट सेल वॉल, ठीक है, वेरी यंग सेल। तो यंग्स को अटैक करते हैं या वीक सेल्स को अटैक करते हैं, और लायंस और जो टाइगर्स है, एनालॉजी दे रहा हूँ, ये सिमिलर काइंड जो फाज है वो वीक सेल्स को अटैक, ठीक है, इट इज विदाउट सेल। होपफुली दिस इज क्लियर, यस। ओके नाउ इधर आ जाते हैं हम लोग, इधर 50 ml फ्लास्क कंटेनिंग 10 ml ऑफ सिंगल और डबल स्ट्रेंथ न्यूट्रिएंट। सिंगल स्ट्रेंथ तो समझ में आता है कि मतलब आप व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्ट्रेंथ एंड डबल स्ट्रेंथ, तो सिंगल स्ट्रेंथ में जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो वैसे का वैसा रहेगा, बट डबल स्ट्रेंथ में आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ले रहे हो तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कंसिस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ पेप्टोन, ठीक है, और आपका 0.3 to 0.5% नीट है या नीट एक्स्ट्रा या बीट एक्स्ट्रा, फिर आपका उसमें आ जाता है 0.5 ग्राम सॉल्ट आ जाता है, तो ये हो जाता है, ये 1x हो गया, ठीक है, या सिंगल स्ट्रेंथ न्यूट्रिएंट बहुत हो गया जो नॉर्मली अवेलेबल होता है। व्हाट इज डबल स्ट्रेंथ, मतलब आप उतना ही पानी ले रहे हो, 100 ml वाटर ले रहे हो और उसमें ही उतना परसेंट, मतलब इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम पेप्टोन यू आर एडिंग 2 ग्राम ऑफ पेप्टोन, 0.5 के जगह मीट एक्सट्रैक्ट की जगह आप 1 ग्राम ऑफ मीट एक्सट्रैक्ट ले रहे हो, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम सॉल्ट की जगह 1 ग्राम सोडियम सॉल्ट, सो क्या हो रहा है, आप डबल कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आप डबल कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन एंड यू आर नॉट डबलिंग सॉल्वेंट, मतलब इधर सोल्यूशन क्या है, वाटर, तो वाटर सिस्टम सेम रख रहा है 100 ml, बट यू आर इंक्रीजिंग
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स बाय 2x। ठीक है, अभी एक क्यों यूज कर रहे हैं डबल स्टैंड मीडियम? ऑब्वियसली जब आप इधर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आप जो सोल्यूशन सोल्यूशन या जो सैंपल निकाल रहे हो फिल्टर करके निकाल रहे हो, तो क्या है वाटर ही मतलब वाटर वाटर में है ऑर्गेनिज्म ना। आप जब वाटर आप न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में डालोगे इधर सिंगल स्टैंड में, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ विल बी गेट डाइल्यूटेड। जैसे अगर आप इधर फॉर एग्जांपल मैं इधर बता रहा, आप जैसे अपने आपका वाटर सैंपल है आपके पास 100 ml, ठीक है 100 ml, और आपके पास 100 ml न्यूट्रिएंट सॉइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है सिंगल स्टैंड, तो आप जब इसमें इसमें फॉर एग्जांपल इधर 10 ml डालोगे, ठीक है, तो सिंगल स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, ये हाफ द स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, जब वाटर डालोगे 1:1 हो गया ना, ये रेशियो 1:1 का रेशियो, तो क्या हो जाएगा हाफ द स्ट्रेंथ हो जाएगा। बट अगर आप इधर इंस्टेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आप इधर डबल स्ट्रैंड डाल, ठीक है, मीडियम यूज करते हो, और इसमें आपने वापस 100 ml सॉरी 10 ml यू इनोकुलेट योर सैंपल, तो क्या हो जाएगा डबल स्ट्रैंड मीडियम का जब वाटर इनोकुलेट करने के बाद सैंपल इनोकुलेट करने के बाद ये 2 times डाइल्यूट हो रहा है, तो इट विल बिकम सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ सैंपल, नॉट बिफोर एडिशन, आफ्टर एडिशन ऑफ सैंपल ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट। तो डबल स्ट्रेंथ एंड सिंगल स्ट्रेंथ के बारे में होपफुली आपको समझा रहेगा। व्हाट इज सिंगल स्ट्रेंथ? सिंगल स्ट्रेंथ मतलब खाली सिंगल जो इंग्रेडिएंट्स है वो नॉर्मल जितना डालते हैं उतना। डबल स्ट्रेंथ में आपको डबल द कॉन्सेंट्रेशन करना। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि आप जो सैंपल साइज है वो आप ज्यादा रख रहे हो, तो उसके वजह से क्या हो रहा है आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो डाइल्यूट आउट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म उतने स्पीड अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, इसलिए डबल स्ट्रेंथ मीडियम यूज करते हैं। तब जब आप सैंपल डालोगे तो वो सिंगल स्ट्रेंथ में, आफ्टर एडिशन ऑफ सैंपल वो सिंगल स्ट्रेंथ में करना। ओके, सो होपफुली सिंगल स्ट्रेंथ एंड डबल स्ट्रेंथ का फंडा आपको क्लियर है। आगे चलते, आपको पाइपेट्स का यूटिलाइजेशन करना है ऑब्वियसली। नाउ क्लोरोफॉर्म 1 ml एंड 10 ml पाइपेट सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स क्यों यूज करना है वो हम लोग आगे देखते हैं, प्रोसीजर के साथ देखते हैं। ठीक है, और ये हम लोग को क्लियर हो गया कि 4 hour old कल्चर लेना, ये भी हम लोग को क्लियर है कि नहीं? सबको समझ गया 4 hour old कल्चर क्यों लेना है, लॉग फेज वाला एंड सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड मीडियम क्यों यूज करना है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्यों यूज करना है, सीवी सैंपल क्यों यूटिलाइज करना है? होपफुली दिस इज क्लियर। यस, तो चलो फिर एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स तो हम लोग ने कुछ देख लिया, एंड सॉफ्ट अगर न्यूट्रिएंट बट्स क्यों यूज कर रहे हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, सो इसके बारे में भी आऊंगा मैं, व्हाट इज MOI, व्हाट इज EOP क्या होता है उसके बारे में भी आऊंगा मैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। तो आप क्या करोगे, सीवेज सैंपल लोगे, ये इधर कुछ क्या बोलते हैं, इधर आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वाटर सैंपल, सीवेज वाटर सैंपल। ओके, सो इधर सीड्स फिल्टर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका जो पोर साइज है इट इज 0.2 to 0.4 microns होने चाहिए, microns होने चाहिए। ठीक है, microns इसका पोर साइज रहता है। तो अगर तुम बैक्टीरिया देखोगे तो इट इज 2 microns, और ये पोर साइज कितना, 0.2 microns, मतलब क्या हो रहा है बैक्टीरिया एलिमिनेट हो रहा है पूरा का पूरा। एंड अगर तुम लोग वायरस का साइज देखोगे इट इज लाइक 100 नैनोमीटर, मतलब कुछ 50 नैनोमीटर से करीबन करीबन 200 नैनोमीटर तक जाता है उसका रेंज। तो जो वायरसेस है इजीली ये पोर साइज को या फिल्टर को क्रॉस कर सकते हैं। आपको ये पूरा का पूरा जो फिल्टर है उसको उसको असेंबली रहता है, उसको इजीली स्टरलाइज किया जा सकता है, और ये पूरा का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको अंडर एसेप्टिक कंडीशन या विद इन बिटवीन द बर्नर्स या हो सकते हैं या लैमिनार एयर फ्लो में आप कैरी आउट। अभी जो मेन टास्क है इधर क्या, आप जो 5 ml फिल्ट्रेट ले रहे हो ट्यूब में, उसमें आप फो अभी क्या हुआ आपके पास फाज आ गया। ओके, सो एक काम कर लेता हूँ मैं, इधर आ जाता हूँ। इधर क्या बोला गया कि आपका जो 5 ml फाज ले रहे हो, मतलब आपका सैंपल ले रहे हो बेटर सैंपल जो आपने फिल्टर किया, ठीक है, और उसमें आप ऑब्वियसली आपको फाज को ग्रो करना है। अभी आप
कि आप जो स्पेसिफिक होस्ट है कि मतलब स्पेसिफिक वायरस है कि नहीं, तो आप क्या करोगे इसमें, आप इसको इकोलाई से एक्सपोज करोगे। कौन सा इकोलाई? 4 आवर ओल्ड कल्चर वाला इकोलाई से एक्सपोज करोगे। ठीक है, तो क्या होगा 4 आवर ओल्ड कल्चर से, तो ये जो फाज है ये इकोलाई को अटैक करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ आपको क्या बोलते हैं, वो अटैक करके वो प्रोजेनीज बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया 30 मिनट्स में आपको खूब सारा 80 80 लाख वीरियंस थियोरेटिकली मिल सकते, थियोरेटिकली मिल सकते। ओके, सो इसमें क्या बोलेगा, इनक्यूबेट द मिक्सचर एट 37 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, अलाउ एड्सॉर्प्शन टू टेक प्लेस। तो 30 मिनट्स में अच्छे से वायरस क्या अटैक कर रहा है, वायरस होस्ट को अटैक कर रहा है एंड इट विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं वायरस। होपफुली, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है जो वायरस है रहता है वो हो सकता है होस्ट को अटैक ना कर पाए बिकॉज ऑफ अटैचमेंट प्रॉब्लम, बट अगर एक बार अटैच हो गया तो ऑब्वियसली एक बार वो प्रोजेनी फाजेस बनाएगा एंड देन इट विल प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोजेनी। ओके, आगे चलते। अभी क्या कर रहे हैं, आफ्टर इंक्यूबेशन हम लोग ने एड्सॉर्प्शन के लिए 30 मिनट्स रखा, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि वायरस को 30 मिनट्स अटैचमेंट के लिए ही लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो इसको पूरे मिक्सचर को हम लोग 10 ml या डबल 10 ml डबल एन सिंगल स्ट्रैंड मीडियम में डाल रहे हैं और उसको इंक्यूबेट कर रहे हैं 37 फॉर 24 आवर्स। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी ग्रो होगा साइड बाई साइड, यंग कल्चर है एंड वायरसेस भी ग्रो होंगे, तो आपको नेक्स्ट डे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए। आपने क्या किया, आपने ऑर्गेनिज्म डाला और वायरस डाला और आपने 24 आवर्स 37 डिग्रीज कर दिया। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, यस कोई बता सकता है, नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? डेंस, एकदम डेंस होना चाहिए ट्यूब, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये कहीं बिटवीन इन बिटवीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यस ये बता सकते हो? डेंस मिलेगा नेक्स्ट डे कल्चर, या क्लियर मिलेगा, या क्लियर मतलब पूरा का पूरा क्लियर रहेगा, या आपको इन बिटवीन डेंसिटी कहीं मिल जाएगी, कौन सा हो सकता है, तो बता रहे। इसमें क्या होगा, इधर आ जाते हम लोग, क्या हो रहा है, इधर हम लोग फाज ले रहे एंड उसको एक्सपोज इक्वलाइज से एक्सपोज कर रहे, तो क्या होगा, आप उसको 30 मिनट्स इंक्यूबेशन के लिए रखते हो, तो इसमें जो जितने भी फाजेस रहेंगे दे विल अटैक ऑल इक्वल, ऑल इक्वल, ठीक है, ऑल इक्वलाइज इसको अटैक करेगा। ठीक है, और जितने भी इक्वलाइज है उसे सबको अटैक करेगा, चाहे इक्वलाइ बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा हो बट वायरसेस इतने ज्यादा है कि वो अटैक सबको अटैक करेगा। तो 30 मिनट्स में मैं बोल रहा हूँ कि 50 मिनट्स के अंदर ही आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, 50 मिनट्स टू 1 आवर ज्यादा से ज्यादा, पूरा का पूरा क्लियर मिल जाएगा आपको, ब्रॉथ पूरा क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोलाई बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या किया कि 10^7 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ले लिया CFU पर ml, ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एंड आई इंट्रोड्यूस ओनली वन वन एंड ओनली वन फास्ट। ठीक है, और उसका अगर टाइम है फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स भी रहे, ठीक है पूरा एक साइकिल वायरल साइकिल 30 मिनट्स भी लेगा, तो इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स पूरा क्लियरेंस देने के लिए। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 37 फॉर 24 आवर्स रख देते हैं, जो भी वायरसेस रहेंगे सब के सब सारे बैक्टीरिया को खा जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आपको पूरा का पूरा क्लियर मिलेगा, एकदम क्लियर, आप ऐसा लगेगा कि आपने स्टराइल ब्रोथ ही यूज किया, आपने उसमें ऑर्गेनिज्म डाला ही नहीं था, इतना क्लियर इतना। तो आपको नेक्स्ट डे पूरा का पूरा अगर क्लियर दिखता है मतलब क्या हुआ, वी हैव आइसोलेटेड और वी हैव गॉट इकोलाई स्पेसिफिक पास, हम लोग का होस्ट स्पेसिफिक पास मिल गया, सक्सेस है। अगर आपको फिर भी डेंसिटी दिखती है मतलब आपका एक्सपेरिमेंट उधर फेल हो, ठीक है, तो देन यू हैव टू री रीस्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट विथ फ्रेश सैंपल।
एंड ये जो स्टेप है, ये दिस इज वेरी वेरी टीडियस स्टेप, क्योंकि इनरिचमेंट नहीं होता है, काफी बार इनरिचमेंट नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है, जो सीवेज सैंपल है उसमें आपका ऑर्गेनिक मटेरियल तो है, फीगल मटेरियल तो है, फास्ट तो है, बट आप सीवेज में और भी सारे केमिकल्स डालते हो, राइट, है ना। तो केमिकल्स डालोगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इट विल इंटरफियर विथ फाज अटैचमेंट टू होस्ट, ठीक है। या ऐसे केमिकल्स होते हैं तो जो जो फाज है, क्योंकि प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, फाज इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो वो क्या हो जाता है, वो डीनेचर हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फाज के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट है, ठीक है। तो आपको सीवेज सैंपल ऐसे लेना है कि वो ऑर्गेनिक सोर्स से ही आ रहा है, उसमें कोई सिंथेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, तब तो वो जाके एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल रहेगा, नहीं तो फेलियर। ओके, अभी आपको ये समझा कि ट्यूब में आपको इकोलाई पूरा का पूरा मतलब सारे के सारे मारे गए और आपके पूरे फाजेस, तब आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, आपको 24 आवर्स रखा हुआ, नेक्स्ट डे क्या करोगे, आप क्या करोगे, इनरिचमेंट मीडियम जो आपने इसमें ऑर्गेनिजम्स को इकोलाई को मार दिया यूजिंग फाजेस, वो उसका 5 ml लोगे, उसमें आप 1 ml क्लोरोफॉर्म डालोगे और उसको वोटेक्स करोगे 5 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के। सो क्लोरोफॉर्म क्या रहता है, तो क्लोरोफॉर्म जितने भी क्या बोलते हैं आपका जो डेड डेब्री सेल्स है उसको प्रेसिपिटेट करने के काम। सो ये क्लोरोफॉर्म आपका प्रेसिपिटेशन, इक्वल जो सेल्स है उनको प्रेसिपिटेट करने के काम, ठीक है। तो आपके क्या हो गया कि आपके जो सारे के सारे जो डेड सेल्स है वो नीचे आ गए, ओके। और जो ऊपर आपके सुपर न्यूट्रिएंट में बचता, सुपर न्यूट्रिएंट में जो बच जाता वो है वायरसेस, वायरसेस होते। अभी ये वायरसेस मतलब ऑब्वियसली आपको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा सेल डेब्री को नीचे लाने के लिए, तो आपको ये वायरसेस, आपको वायरसेस चाहिए, डेबरी नहीं चाहिए, तो आप सेंट्रीफ्यूज करोगे और ये डेबरी नीचे आ जाएगा, आप केयरफुली ये वायरसेस को उठा लो, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, आपने आपको वायरसेस मिल गए और हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं 300 RPM, 20 मिनट्स, 300 RPM में आराम से जो सेल्स है डेबरी नीचे आ जाए। अब ये इनरिचमेंट जो प्रोसेस है उसको रिपीट करना रहता है, कि वो रिपीट करना रहता है आपको प्यूरिफाइड होस्ट चाहिए, प्यूरिफाइड वायरसेस मिले वो आपका एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अभी ये याद रखना पड़ेगा, विद ईच इनरिचमेंट स्टेप आपको होस्ट सेम ही रखना है, आपने अगर इकोलाई K12 के जगह इकोलाई कोई और वाइल्ड टाइप स्पीशीज ले लिया तो फाजेस हो सकते हैं कि वो उसको अटैच ना कर पाए एंड उसको अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो आपका उधर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो यू हैव टू यूज यूटिलाइज सेम होस्ट एवरी टाइम, एवरी टाइम आपको सेम होस्ट ही यूटिलाइज करना पड़ेगा, आप होस्ट को चेंज कभी नहीं करोगे, ठीक है। बी इट सेम स्ट्रेन, आपको सेम स्ट्रेन का ही होस्ट यूज करना पड़ेगा, आपने दूसरा स्ट्रेन ऑफ इकोलाई ले लिया तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, ओके, ठीक है। आपको आपने एक दो या 3 बार रन करके हो गया आपका एनरिचमेंट, देन यू गो फॉर आपको सुपर न्यूट्रिएंट जो मिल गया इट विल है फाजलाइसेट, फाजलाइसेट मतलब आपने बैक्टीरिया को लिसिस किया और उसमें जितने भी फाजेस थे मतलब या फाज ने लिसिस करके निकल गए, तो जितने भी फाजेस थे उसको फाजलाइसेट बोलोगे, ओके। ना अभी डिटेक्शन आ जाता है, डिटेक्शन में आप क्या करोगे, आप सेम इक्वल कल्चर लोगे, ठीक है, ओके। एंड अभी ये डिटेक्शन है, ये क्वालिटेटिव डिटेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, आप कल्चर को स्प्रेड कर दोगे न्यूट्रिएंट अगर, एंड आप क्या करोगे उसको 20 मिनट्स के लिए इनक्यूबेट करोगे 37 डिग्रीज पर, एक मिनट,
ओके 20 मिनट्स इंक्यूबेट करोगे और फिर उसके क्या करोगे? एक इधर आ जाता हूँ, इधर थोड़ा जनरल का वाट लगा हुआ। तो इधर देखो, ये आपने पेट्री प्लेट ले लिया, दिस इज नॉट पेट्री प्लेट, मैंने गोल पूरा गोल नहीं किया। ओके सो आपने क्या किया, पहले पूरा क्या किया, आपने होस्ट ले लिया एंड होस्ट को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। स्प्रेड प्लेट मेथड पता है सबको, स्प्रेड प्लेट, ठीक है, स्प्रेड प्लेट SPC। तो स्प्रेड प्लेट कर दिया, स्प्रेड प्लेट से क्या होगा आपका ये पूरा का वायर जो होस्ट है वो इधर आ गया। नाउ आप क्या करोगे, उसको 20 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करोगे 37 डिग्रीज पे। तो प्लेट क्या, वो जो सेल्स है वो थोड़ा से एड्सॉर्ब कर लेंगे। देन यू गो फॉर, आपने फाज इधर से आइसोलेट किया, एनरिचमेंट किया हुआ इधर, ठीक है। आप क्या करोगे, इधर स्पॉट इनोकुलेट करोगे। व्हाट इज स्पॉट इनोकुलेशन, आप लूप फुल लोगे और लूप फुल इधर ऐसे उसके ऊपर रख कर दो। तो क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको इधर क्या होगा, क्लियरेंस जोन मिल जाना चाहिए, करीबन करीबन क्लियरेंस जोन इधर मिल जाना, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वालिटेटिव डिटेक्शन, नॉट क्वांटिटेटिव डिटेक्शन, बट इट इज क्वालिटेटिव। होपफुली ये समझा रहेगा, स्पॉट इनोकुलेट करके हम लोग इजिली वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्लियरेंस जोन इन द टर्बिड प्लेट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फॉज, ठीक है, सिंपल। अभी फॉज लाइ फिर लाइसिट को आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो इजिली, रेफ्रिजरेट। ओके नाउ वी आर कमिंग इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हम लोग आइसोलेशन एंड इन्यूमरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इधर आपको इन्यूमरेशन करना है, मतलब आपको उसको काउंट करना है कि कितने फॉज, कितना डेंसिटी है फॉज का, ठीक है, एक 1 ml/ml में। तो आप क्या क्या करोगे, इधर रिंगर सोल्यूशन लोगे, रिंगर सोल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्ट सोल्यूशन होता है, एक स्पेसिफिक रेशियोज में सॉल्ट होते हैं, जिसमें पोटेशियम सॉल्ट भी होते हैं, सोडियम सॉल्ट भी, या आप सरल सलाइन भी यूज कर सकते हो, दोनों भी चले, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एंड कैरी आउट 10-fold डाइल्यूशन अप टू 10^-6 टू 10^-8। तो -6 से -8 तक डाइल्यूट कर सकते हो, क्योंकि फाजेस आपको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए ताकि वो रीडेबल रेंज में आ जाए, मतलब एज इन क्या होगा, आप मैक्सिमम पर एमएल में आपको मैक्सिमम 120 से लेके 30 वायरसेस होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, या 200 वायरसेस होने चाहिए पर प्लेट में, ठीक है, पर प्लेट में इतने ही वायरसेस होने चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो आपका पूरा का पूरा प्लेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसमें पायलट ऐसे रन करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी तो इसमें क्या होगा, एक काम करता हूँ मैं इधर आ जाता हूँ। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कैसे कैरी आउट होता है, आप पहले फाजेस लो और फाजेस को सीरियली डाइल्यूट करो, ठीक सीरियली डाइल्यूट करो, सीरियल डाइल्यूशन, ठीक है। आप सीरियली डाइल्यूट कर रहे हैं एंड 10-fold डाइल्यूशन किया जाता है, 10-fold डाइल्यूशन के बाद, ठीक है, 10-fold मतलब कितना, 10^-8 तक, -7 तक, ओके। नाउ अब क्या करो, वायरस ये तीन जो आपने फॉर एग्जांपल ले लिया, 10^-8, -7, -6 ले लिया, ठीक है, ये थ्री कॉन्सेंट्रेशन आप यूज कर सकते हो। अभी क्या करोगे, अब क्या करोगे, इक्वल डाई ले लोगे, फाज होस्ट लो लोगे, इट विल बी 0.3 ml, कितना 0.3 ml। अभी अगर मैं ट्यूब देखो तो 0.3 ml इतना नहीं होता, इतना ही होता, काफी कम होता, खाली दिखाने के लिए 0.3 ml, ओके। आप 10^-8 से निकालोगे सॉल्यूशन, ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद, वोटेक्सिंग के बाद, अब इसमें 0.1 ml फाज डालोगे, ठीक है, ऑफ 10^-8, ठीक है, इधर -7 या -6 भी हो सकते हैं, वो आपके लिए आगे के, ठीक है। 0.3 ml होस्ट, होस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए ताकि अच्छे से क्वांटिटी मिल जाए उसको फाज को खाने के लिए, एंड 0.1 ml ऑफ फाज, ये रेशियो पे मिक्स करोगे, 1:3 के रेशियो में मिक्स करोगे और उसको इनक्यूबेशन के लिए रख सकते हैं ऐसे फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, ठीक है। तो ताकि जो वायरस है उसको
वो उसको आराम से एड्सॉर्ब कर ले, मतलब उस पर अटैचमेंट कर ले, अटैच कर ले, एंड देन इट विल स्टार्ट फाज फाज रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाए। ठीक है, कोई कोई वायरसेस में क्या होता है, इट दे डोंट रिक्वायर एनी इंक्यूबेशन टाइम, 0 मिनट इंक्यूबेशन टाइम, तो फटाक से अटैक कर देते बैक्टीरिया, वायरसेस डायरेक्ट बैक्टीरिया को अटैक कर देते। ओके, अब क्या होगा इंक्यूबेशन के बाद, आप क्या करोगे, अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, होपफुली आपको इधर तक क्लियर है सब। यस, इधर तक क्लियर है सबको, क्लियर? तो इसमें अभी क्या हुआ, आपने 1:3 के रेशियो में वायरसेस 1 एंड 3 पार्ट आप बैक्टीरिया डाल रहे हो सर। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आगे, तो इसमें अभी अभी आप डालोगे सॉफ्ट अगार, बट न्यूट्रिएंट अगार रहेगा, सॉफ्ट न्यूट्रिएंट एंड सॉफ्ट अगार, बट सॉफ्ट अगार डालोगे। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट अगार एंड नॉर्मल अगार, न्यूट्रिएंट अगार होता है, फिर ये सॉफ्ट अगार क्या हो गया, क्या फंडा है? तो सॉफ्ट अगार में ये फंडा है कि इट हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगार। अगर आप नॉर्मल अगार लोगे, जैसे मीडियम यूटिलाइज करने के लिए, नॉर्मल मीडियम के लिए, तो इट कंसिस्ट ऑफ 1.5% अगार कॉन्सेंट्रेशन, सॉफ्ट अगर में 0.8% लिए। क्यों लिए है? इसका एक मेजर रीजन है, और क्या रीजन है वो मैं बताता हूँ। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर रहेगा उतना जल्दी वो सॉलिडिफाई, ध्यान से सुन लो, जितना ज्यादा अगर रहेगा उतना ज्यादा वो जल्दी सॉलिडिफाई होगा। एंड एक जो मेन चीज है, जो वायरस है, ठीक है, तो वायरस क्या होता है, इट 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 मूव्स, अगर आपको खाली जैसे हम लोगों ने इधर लिया था, क्या लिया था, इधर ऊपर जाते इधर, हाँ, हम लोगों ने क्या लिया था, इंक्यूबेशन में वायरसेस लिए थे और उसमें होस्ट में डाल दिया था, और नेक्स्ट डे आपको पूरा का पूरा क्लियरेंस मिल गया, राइट, है ना, वैसे क्लियरेंस 2 2 3 आवर्स में मिल जाता। बट आपको इधर क्लियरेंस चाहिए क्या? नहीं, क्यों? आपको चाहिए इधर काउंट करना है, आपको वायरसेस को काउंट करना, तो यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ अगर। अभी अगर क्यों यूटिलाइज कर रहे, अगर क्या करता है, वायरसेस के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, ध्यान से सुनो, अगर वायरस इधर है तो मैक्सिमम वायरस इधर तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है, वायरस का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो सॉफ्ट अगर को सॉलिडिफाई होने के लिए टाइम लगता है, करीबन 20 to 30 मिनट्स लग जाते हैं। ओके, तो इतने टाइम में वायरस अपना गेम खेल लेता है, मतलब वो आपका एक पर्टिकुलर डायमीटर क्रॉस कर लेता है, मिलीमीटर बोल सकते हैं, तो ये इतना तक बैक्टीरिया को मार के और मार मार देता है, इतना बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, और उसके जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वायरस का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है मतलब उधर ही रुक जाता है वायरस, वायरस अभी बाकी बैक्टीरिया को अटैक नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड फाज ऐसे, कि कैसे वायरसेस को उसको सॉलिडिफाई कर दिया तो वो उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया। नाउ विद दिस रेस्ट्रिक्शन वी कैन काउंट फाजेस, ठीक है, ये एक क्लियरेंस जोन मिल गया। ओके, सो 1 फाज विल गिव राइज टू 1, ये आइडिया है, एंड प्लांक्स आर बीइंग फॉर्म यूजिंग सॉफ्ट अगर इंस्टेड ऑफ फुल, जो एकदम हम लोग अगर यूज करते हैं 1.5%, वो नहीं, सॉफ्ट अगर यूज करते हैं 0.8 to 1% के, ओके, ठीक है। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझा रहेगा, अगर है, अगर का रोल क्या है, एंड सॉफ्ट अगर क्यों यूटिलाइज, ठीक है, यस, सबको समझा, ये किसी को रिपीट सी?
ठीक है, तो अगर क्या कर रहे हैं, इट इज रिस्ट्रिक्टिंग स्प्रेड ऑफ वायरसेस, तो आपको डेफिनेट कॉलन जो प्लक्स मिल सकते हैं एंड यू कैन काउंट एंड प्लक्स, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। सो जैसे मैंने बताया इधर भी 0.1 ml ऑफ आज, 0.3 ml ऑफ इकोलाई। अभी इकोलाई भी आपको 4 आवर ओल्ड चाहिए, यंग कल्चर चाहिए, ना कि आपको पुराने चाहिए। आपको अच्छा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 0.3 ml ऑफ लॉग फेस इकोलाई 4 आवर। ओके ठीक है, तो आप इसमें क्या होते हैं, इसमें आ जाते हैं वापस। तो इसमें क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, इधर डबल लेयर्ड मीडियम यूटिलाइज कर सकते हो आप। जैसे एक पतला सा मीडियम है न्यूट्रेंट आकार का, ठीक है, डबल लेयर्ड मीडियम यूज कर सकते हो, और उसको फिर ओवरले कर दिया फिर न्यूट्रेंट सॉफ्ट आकार बट कंटेनिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो डबल लेयर मीडियम यूज करो ताकि आपको एकदम डिमार्केट कर सकते हैं। व्हाट इज डिमार्केशन, आप क्लियरली बता सकते हैं किधर वायरस है किधर बैक्टीरिया है, इधर इजीली आप वायरस को डिटेक्ट कर पाओ, डिमार्केशन डिमार्केट कर पाओ। ओके, एक चीज और है, किधर तो ये डिमार्केशन हो गया आपका, इधर था मैं भूल रहा हूँ। ओके, ओवरले, ओके, ओके। तो लॉग फेज का मैंने बता दिया, आपको यंग कल्चर ही चाहिए। अच्छा, ये याद रखो, कभी भी जब आप मोल्टन अगार, देखो इधर लिखा हुआ है मोल्टन एंड कूल्ड अगार बड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मोल्टन मतलब क्या हो गया, आप अगार को मेल्ट कर रहे हो, अगार कितने डिग्रीज पे मेल्ट करता है, करीबन 45 to 50 डिग्रीज पे मेल्ट कर। बट आप 45 to 50 डिग्रीज पे अगर अगर लोगे तो क्या होगा, वो इट इज नॉट, ये टेम्परेचर राइट नहीं है फॉर वायरसेस। ठीक है, तो वायरस सारे डीनेचर हो जाएंगे। जैसे अभी इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है, तो 45 to 50 डिग्रीज पे क्या होता है, जो वायरसेस रहते हैं, ठीक है, तो उनके टेल्स रहते, राइट राइट। तो जितना अगर हाँ हायर टेम्परेचर रखोगे तो ये टेल्स में जो प्रोटीन है वो क्या हो जाए, वो क्या होता है, डीनेचर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर में अगर वायरस को एक्सपोज करोगे तो ये जो इसके टेल्स है वो डीनेचर हो जाएंगे। अगर टेल्स डीनेचर हो गए तो इट कैन नॉट अटैच टू बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया को अटैच नहीं कर पाया तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ये फाजिस को इन्फेक्ट करने के लिए लायक भी रहेगा, वो अटैच नहीं कर पाएगा एंड दिस फाजिस विल बी लॉस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसलिए हम लोग करते यूज करते सॉफ्ट अगार बड्स को, ताकि वो स्लोली सॉलिडिफाई हो और लोअर टेम्परेचर में सॉलिडिफाई। ठीक, तो क्या होता है, वी कैन इजिली यूटिलाइज, वी कैन इजिली, जैसे अगर 40 डिग्रीज पे आता है, करीबन 40 डिग्रीज पे, तो हम लोग तब वायरस को एक्सपोज कर सकते हैं विद मोल्टन अगर बड्स। ठीक है, 40 डिग्रीज पे, तो करीब जो मोल्टन अगर है उसको टाइम लगता है, एंड तो क्या होता है, ज्यादा ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वायरसेस के जो टेल प्रोटीन है वो डीनेचर नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट अगर बट यूज कर रहे हैं, ताकि अगर लोअर टेम्परेचर भी हो तो सॉलिड इंस्टेंटली सॉलिडिफाई हो। ठीक है, एंड लोअर टेम्परेचर यूज कर रहे हैं ताकि आपके वायरसेस के जो टेल प्रोटीन है वो रह सके। अगर वायरसेस के टेल प्रोटीन गए तो आपका फास्ट लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसमें जैसे मैंने बताया, मोल्टन मतलब गर्म रहते हैं, बट इधर कूल्ड करते हैं, बट को कूल करते हैं। तो आप 1.5% लेते हो अगार का, तो आपने उसको ठंडा किया, वो उधर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, फाजेस, ये फाजे ऐसे कर नहीं पाओगे। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, इधर आ जाते हैं हम लोग, तो इधर आ जाते हैं। तो इधर हम लोगों ने क्या बोला था, 1:3 का रेशियो ले रहे हैं, तो 1 ml फाज, 0.1 ml फाज एंड 0.3 ml होस्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि
ये ट्यूब दूसरे जैसे मोल्टन अगर बट ले लिया, ठीक है, मोल्टन अगर बट ले लिया, ठीक है, और टेम्परेचर राइट हुआ, तो आप ये पूरा जो सिस्टम है वायरस और बैक्टीरिया का, वो इसके अंदर नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि ये जो वायरस और बैक्टीरिया का जो सिस्टम है, वो जब आप इधर डालोगे तो इधर साइड साइड में आपके कुछ फाजेस बच जाएंगे, ठीक है, जो ग्लास को अटैच करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ पोरिंग दिस सिस्टम इन टू अगार बट, आप उल्टा करोगे, अगार बट को इसके अंदर पोर करोगे, ठीक है, ये मिक्सचर के इसमें पोर करोगे, ताकि जितना भी वायरसेस है सारा का सारा ये मोल्टन सॉफ्ट अगार बट के साथ इंटरेक्ट कर ले, एंड पूरा का पूरा प्लेट में उसको पोर कर, ठीक है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा डबल लेयर में, ठीक है। तो ये आपको पूरा, जितने भी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने सही काउंट किया वायरसेस। तो इसमें देखो इधर भी दे रखा है, जब आप ट्रांसफर करते हो 0.1 ml ऑफ लाइसेट एंड 0.3 ml ऑफ कल्चर, उसमें ऐड करना पड़ेगा, वो मिक्सचर पे ही ऐड करना पड़ेगा मोल्टन स्टराइल सॉफ्ट अगर, ठीक है। अभी इधर बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, मोल्टन स्टराइल सॉफ्ट अगर, ठीक है। तो बेजल न्यूट्रेंट अगर प्लेट पर आपको ओवरले करना, तो आपको डबल लेयर सिस्टम मिल जाए। सॉलिडिफाई करने के बाद आपको इंक्यूबेट करना 37 degrees और फॉर 24 hours, आपको नेक्स्ट डे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वायरसेस वायरसेस जो उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है विद इन 30 मिनट्स, बट आपका और आप वायरसेस आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए जो बाकी जो बैक्टीरिया है जो बचे हैं वायरसेस है उनको ग्रो करने के लिए 24 hours है। तो आपको क्लियरली नेक्स्ट डे आपको डीमार्केट कर सकते हो प्लाक्स को विद बैक्टीरियल लॉन, ठीक है। उसके बाद आप काउंट करोगे प्लाक, तो PFUs हो रहे थे, प्लाक प्लाक फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है, ओके, ठीक है, तो प्लाक फॉर्मिंग यूनिट हो जाता है, ठीक है। इसमें इसका देखा रहता है यूजिंग 1% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवरले बट फैसिलिटेट स्प्रेडिंग ऑफ फास्ट एंड ब्रिंग्स अबाउट लिस्ट। तो 1% ज्यादा 0.8 से 1% सॉफ्ट अगर बट, ओके, तो होपफुली दिस इज क्लियर। अभी दो कॉन्सेप्ट और बताने बाकी है इसमें ही, ठीक है, यस, होपफुली दिस इज क्लियर, यस और नो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? यस, ओके, नेक्स्ट थिंग है दो दो रेशियोज है, वी हैव टू लुक इनटू दिस रेशियो और उसका मतलब क्या है। पहला है मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन एक रेशियो है, सिंपल रेशियो है, मतलब कितने फाज वायरसेस है पर ml और उसके लिए कितने बैक्टीरियाज अवेलेबल है, ओके, दिस इज नथिंग बट MOI, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ फाज पार्टिकल्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स पर ml, ठीक है। तो इसका रेशियो ज्यादातर बोलते हैं, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो जो रेशियो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ये आइडियल कंडीशन है बट होता नहीं। आप इसमें जो रेशियो रखोगे वो ज्यादातर आइडियल रेशियो नहीं बोल सकता मैं, बट जो रेशियो रहता है वो 1/10 to 7, क्यों 10 to 7, मतलब जैसे आप 1 वायरस ले रहे हो और आप उसको एक्सपोज कर रहे हो 10 to 7 सेल से, ठीक है, 10 to 7 सेल से एक्सपोज कर, ओके, तो इधर आप क्या कर रहे हो, जैसे आप ये मान के चल रहे हो कि 1 वायरस है, तो वो अभी आप 30 मिनट्स का एडसॉर्प्शन टाइम पर, ठीक है, 30 मिनट्स लग रहे हैं जो फाजिस को ये सॉरी न्यूट्रेंट अगर को सॉलिडिफाई होने, ठीक है, ठीक है,
इसमें क्या हो रहा है, एक वायरस जा रहा है बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 200 प्रोजेनीज या 1000 प्रोजेनीज निकल, मैक्सिमम पे चलते 1000 प्रोजेनीज निकल, ठीक है, 10 मिनट्स के बाद कितना हुआ, 1000 प्रोजेनीज, ठीक है, उसके 10 मिनट्स के बाद क्या हुआ, 10 या 15 मिनट्स लेता है, मैं मिनिमम टाइम ले रहा हूँ, अगर तुमको चाहिए तो 15 मिनट्स भी ले सकते, ओके, तो 10,000 सेल्स और 1000 सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे तो आपके जो हो जाएंगे वो 1 लाख सेल्स इफेक्ट हो जाएंगे, 10 लाख, 1000, 1000, 10 लाख, तो आपको आप विद इन 20 मिनट्स के अंदर आपको 10 लाख सेल्स इन्फेक्टेड मिल जाएंगे और वो लाइस हो जाएगा, इतने में आपका क्या हो जाएगा, अगर है वो 10 मिनट्स या 15 to 20, 20 to 30 मिनट्स लेता, विद इन 20 to 30 मिनट्स आपका जो अगर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, एंड दिस 10 लाख जो बैक्टीरिया लाइस हुए, इट विल फॉर्म अ ब्यूटीफुल प्लक, प्लक दिख जाएगा, एंड इट इज विजिबली, इट इट कैन बी विजिबली ऑब्जर्व, ठीक है, विद नेकेड आईज, ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक रेशियो लेके रखा, 1/10 MO, आइडियली 1 होता है बट प्रैक्टिकली अगर करने जाए तो डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट है ईओपी, इफिशियंसी ऑफ प्लेटिंग, नेक्स्ट रेशियो इज ईओपी, इफिशियंसी ऑफ प्लेटिंग, इफिशियंसी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इधर देख सकते हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वायरस को प्रिजर्व करते हैं, जैसे हम लोगों ने मिल गया फाज मिल गया, ठीक है, आपने उसको उसको सीरम में डाला या वाटर में डाला, ठीक है, वाटर या जो भी सोल्यूशन है उसमें डाला, और आपने उसको रेफ्रिजरेट किया, तो रेफ्रिजरेशन कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने पहले इसमें भी बताया था, एक तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं डीनेचर होने चाहिए, लोअर कंडीशन में भी ये फंडा है कि जो वायबिलिटी है फाज इसकी वो डिक्रीज हो जाती, एंड क्या होता है, जो प्रोटीन है इट मे नॉट बी, थोड़ा प्रोटीन का जो फॉर्म प्रोटीन है उसमें चेंजेस आते हैं, एज इन म्यूटेशंस नहीं होते बट प्रोटीन के जो फंक्शनिंग है वो रिड्यूस हो जाता है, ये टेल प्रोटीन्स, तो इट मे नॉट बी एबल टू अटैच टू इट्स होस्ट, तो ये इधर क्या हो गया, आपका जो परसेंटेज है जो 100%, जैसे फॉर एग्जांपल 100 वायरसेस इन्फेक्ट कर रहे थे जब आपने आइसोलेट किया, बट आफ्टर आइसोलेशन आफ्टर सम टाइम आफ्टर जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, आपके इंस्टेड ऑफ 100 वायरसेस आपके खाली उसमें से खाली 90 वायरसेस ही वायबल बचे, बाकी 10% वायरसेस आपके खराब हो चुके, ठीक है, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद उसका वापस लॉस होगा, 80-82% रह जाएगा, उसके बाद आप वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इफिशियंसी ऑफ प्लेटिंग, कितना इफिशियंट है आपका, इफिशियंसी कितनी, ओके, सो इधर आ जाते हैं, क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन, फ्रैक्शन ऑफ फास्ट पार्टिकल दैट कैन फॉर्म प्लाक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता है, अभी कौन आ रहा है इतना जल्दी, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो फास्ट पार्टिकल है उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है कि वो डायरेक्ट अपने होस्ट सेल्स को अफेक्ट करिए, अटैक करे, ठीक है, दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग, और प्लेटिंग करने से हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, इन्यूमरेट कर सकते हैं कि कितने फाजेस अभी वायबल है, मतलब अटैक कर पाएंगे, अभी ये आपके लिए सही फायदेमंद है कि नहीं है, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाजेस को करेक्ट प्रोसीजर से प्रिजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ईओपी विल बी आपका ईओपी डिक्रीज होता जाएगा, इफिशियंसी डिक्रीज होती जाएगी, वायरसेस की एबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी कि वो अटैक करे बैक्टीरिया, ठीक है, अब क्यों होता है डिक्रीज ईओपी, इफिशियंसी ऑफ प्लेटिंग क्यों डिक्रीज होती है, इसके बहुत सारे रीजंस है, एक तो केमिकल डैमेज है, आप क्या कर रहे हो, प्रोटीन्स आप हाई टेम्परेचर से एक्सपोज कर रहे हो मोल्टन अगार से, तो उसमें क्या होता है प्रोटीन्स डीनेचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, अब केमिकल्स आप इधर टोलिन यूज कर रहे हो है ना, इधर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो,
क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये प्रोटीन को भी अफेक्ट करता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमर, याद है? तो क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो तो क्या होता है, वो प्रोटीन्स को डीनेचर करता है, तो इसमें आपका ये भी जो फाज पार्टिकल्स है, फाज के टेल्स है, उसको भी अफेक्ट कर देता है, ठीक है? ओके, अभी आप स्टोर करते हो 4 डिग्रीज पे या बिलो -4 डिग्रीज पे, तो आप सबसे बेस्ट इफिशियंट, आप सबसे बेस्ट चीज क्या कर सकते हो, वायबिलिटी कांस्टेंट रखने के लिए या इफिशियंसी ऑफ प्लेट, जो प्लेट है ईओपी मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो, वायरसेस को स्टोर कर सकते हो एट 4 डिग्रीज, आप रूम टेम्परेचर में स्टोर नहीं करोगे ऑब्वियसली, 4 डिग्रीज या -4 डिग्रीज पे स्टोर करोगे, और ग्लिसरॉल सोल्यूशन पे स्टोर करोगे, तो ग्लिसरॉल क्या होता है, आइस फॉर्मेशन से बचा रहे, इससे क्या होता है, लॉस ऑफ फाज विजिबिलिटी वायबिलिटी, एडिशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। अभी अगर आप सीरम डाल सकते हो इस पे, सीरम एल्ब्यूमिन डाल सकते हो, तो ये बहुत अच्छे से वायरस को प्रोटेक्शन दे सकते, ठीक है, प्रोटीन डाल सकते हो या सीरम डाल सकते हो, जिसकी वजह से काफी अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते, ठीक है? तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ईओपी, इफिशियंसी ऑफ प्लेटिंग, एंड यू हैव अंडरस्टूड अबाउट रेशियो MOI, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंफेक्शन, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ फाज पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है? यस, समझ में आया कि किसी को रिपीट चाहिए?